हेलो एवरीवन, मैं आ चुका हूँ आज का वीडियो लेकर। आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड से बना है जिसको कम्युनिस भी कहते हैं, विच मीन्स कॉमन। उसका मतलब होता है कॉमन कम्युनिकेशन। इसका मतलब कि हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, opinions by two or more persons. Communication is a process of passing information and understanding from one person to another. जैसे कि एक example है, A और B दो person है। A को B से, मतलब B का शर्ट का दुकान है, तो ए को बी से दो ब्लैक शर्ट चाहिए था। तो शर्ट दो टाइप का था उसके पास अवेलेबल, वो प्लेन था और प्रिंटेड था। तो ए को जो चाहिए था वो प्लेन वाला था, लेकिन बी उसको समझा कि वो, मतलब कि ए को प्रिंटेड चाहिए लेकिन उसको चाहिए था प्लेन वाला। तो यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हो गया, इसको कुछ और लगा, मतलब और दूसरा पार्टी को कुछ और लगा। ए को लगा, ए को मतलब ए चाह रहा था कि वो प्लेन वाला ख़रीदे, और वह बी सोच रहा था कि वो प्रिंटेड वाला ख़रीदेगा। तो मिसकम्युनिकेशन हो रहा था। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन involves at least two persons, दो persons चाहिए। In it is a two-way process. Communication is a two-way process. Purpose of communication. Different forms of communication, मतलब कि बहुत सारे forms है communication का, verbal communication, non-verbal communication and written communication. अब हम लोग देख रहे हैं scope of communication. At all levels of the organization, communication is much more than words. Communication is much more than words. Much more than words. ठीक है, need for communication, communication का जरूरत क्या है? तो number one, growth in size of business, advanced technology, achieve objectives, tough competition in the market, growing specialization, trade union movement, human relations, public relations. अब next है process of communication, process of communication. तो पहले मतलब कि दो पार्टी होना चाहिए, सेंडर और रिसीवर। एक जो मैसेज सेंड कर रहा है और दूसरा जो उसको रिसीव कर रहा है। तो सेंडर मतलब कि पहले इनकोडर होता है और रिसीवर जो होता है वो डिकोडर होता है। सेंडर इनकोड करता है मैसेज को बाय वे ऑफ ट्रांसमिशन या चैनल, देन the transmitted message goes to receiver, then receiver first decode it and then receiver gives feedback. मतलब कि ये feedback पे आके ख़त्म होता है, start होता है sender से और end होता है feedback पे जाके। ठीक है, मतलब कि रिसीवर का फीडबैक जब तक नहीं आ जाता तब तक ये चलते रहेगा, और जैसे ही रिसीवर का फीडबैक आएगा तो ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कितने प्रॉब्लम्स होते हैं? तो पहला है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नॉइज, रॉन्ग एजम्पशंस, कुछ और एज्यूम कर दिया और निकला कुछ और। डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में भी डिफरेंस हो सकता है। पुअर रिटेंशन भी हो सकता है, वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, और ऑफेंसिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का इस ऑफेंसिव स्टाइल,
नेक्स्ट है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। दो टाइप का होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। और फिर डायगोनल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज है प्रॉपर चैनल, प्रॉपर चैनल होगा तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा होल ऑर्गेनाइजेशन। स्लो और डिसएडवांटेज है स्लो एंड रिगिड, नैरो चैनल होगा, एक्सपेंसिव होगा, बहुत ज़्यादा खर्च लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। और वही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे कि ग्रैप वाइन, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फ्री फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, क्विक एंड फास्ट होता है, नो रिगिड चैनल, मतलब रिगिड चैनल नहीं होता, एक बार बन गया तो बन गया वैसा नहीं है। हाफ और डिसएडवांटेज, हाफ ट्रूथ, मिस इन्फॉर्म्ड, ऑर्गेनाइजेशनल इमेज गेट स्पॉइल्ड। जैसे कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़े थे 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज में, जैसे कि तीन टाइप का लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल में CEO मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स। मिडिल में हो गया डिपार्टमेंट्स, हेड, सुपरवाइजर। लोअर में एम्प्लॉयज, लेबर्स, ये सब। तो आज का वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट जरूर।